गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द के बारे में जानेंगे। पेज नंबर 21, पाठ 3 शब्द, पेज नंबर 21। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने वर्ण के बारे में जाना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर का उदाहरण अ आ इ ई था और व्यंजन का क ख ग घ। तो ये हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो अब जब हम शब्द पर आते हैं, तो कभी भी एक वर्ण से कोई शब्द नहीं बनता। जब हम दो या दो से अधिक व्यंजन को, दो से अधिक वर्णों को मिलाते हैं, तो उससे एक शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। सार्थक क्या? जिसका कोई मतलब निकले, जिससे कि हमें पता चले कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे कमल, बकरी, चाय, ऐसी जो भी शब्द, कोई भी शब्द जिसका हमें मतलब समझ में आता है। तो शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द सार्थक, निरर्थक। सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो। वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, चाय, महल, कमल, बकरी, जो हमने ये पढ़ा, इन सब का कोई मतलब निकलता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम लोग जैसे सार्थक शब्द के साथ कोई शब्द ऐसे ही जोड़ देते हैं, जैसे मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो मन तो समझ में आता है, ये वन क्या है, वन जो है इसमें मन के साथ अगर वन जुड़ा हुआ है तो वो निरर्थक है, वो बस हमने साथ में बोल दिया। चाय, मेरा चाय वाय पीने का मन है, तो चाय तो सही शब्द है, सार्थक शब्द है, लेकिन वाय, वाय क्या है? यह एक निरर्थक शब्द है जो हमने सार्थक के साथ बस बोल दिया। तो निरर्थक शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, परंतु उनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्द जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग तो करते हैं, परंतु उनका कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चाय, वाय, ये वाय जो है ये निरर्थक शब्द है। खेलने, वेलने, ये वेलने निरर्थक शब्द है। घूमने, वूमने, ये वूमने निरर्थक शब्द है। तो ये सारे निरर्थक शब्द हैं, इनका प्रयोग अनुचित है।